नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुल सिंह। बैंकों में आज से 2000 रुपए के नोट बदलने की शुरुआत हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं, वो इसे 30 सितंबर 2023 तक बदल सकते हैं। एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट यानी कि बस 20,000 रुपए ही किसी भी बैंक में जाकर बदले जा सकेंगे या बिना आईडी के अकाउंट में डाले जा सकते हैं। नोट बदलने के लिए आरबीआई के निर्देश पर बैंकों में खास तैयारी भी की गई है। तो 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से बैंकों में 2000 के नोट बदले जा रहे हैं। एक बार में महज 10 नोट ही 2000 के बदले जा सकते हैं और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो 30 सितंबर तक जारी रहेगी। आज से लेकर 30 सितंबर तक आप नोट बैंक में जाकर बदल सकते हैं, लेकिन याद रहे कि एक ही बारी में 10 नोट ही बदले जाएंगे। और बताया जा रहा है कि 50,000 तक का अगर आप नोट बदलते हैं तो आपको कोई भी आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। पुराने नियमों के आधार पर ही ये नोट आप बदल सकते हैं, बैंक में जमा करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका 50,000 से ज्यादा के यहाँ पर पैसा है, 2000 के नोट अगर आपके पास है, तो ऐसे में आपको पैन कार्ड जरूरी होगा बैंक में दिखाने के लिए। तो आज से बैंकों में 2000 के नोट बदले जा रहे हैं। एक बार में महज 10 नोट ही बदले जाएंगे 2000 के। 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदले जाएंगे। तो एक घंटा बीत चुका है, 10 बजे बैंक खुले और अब 11 बज रहे हैं और एक घंटे में काफी लोग जो है नोट बदलने के लिए अलग अलग राज्यों में पहुंच चुके हैं। चलिए हम भोपाल का रुख कर लेते हैं, ग्वालियर का भी हम रुख करेंगे। नीलम हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। नीलम, एक घंटा बीत चुका है और क्या प्रक्रिया वहां पर शुरू हो गई है? कितने लोग अभी तक नोट बदलने के लिए आए हैं? जी देखिए, बिल्कुल बैंक को खोले हुए जो है लगभग एक घंटा हो गया है और अगर हम बात करें कि अभी तक कितने लोगों ने अलग अलग बैंकों में जाकर नोट बदले किए हैं तो उनकी संख्या बेहद कम नजर आ रही है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल का जो सबसे बड़ा बैंकिंग एरिया है बैंक स्ट्रीट, यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर तमाम बड़े बैंकों के जो ब्रांचेज हैं वो बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ पर इतनी ज्यादा हलचल नजर नहीं आ रही है नोट बदली करने को लेकर के, क्योंकि 2000 के नोट की जो प्रिंटिंग थी वो 17-18-19 में ही बंद हो गई थी और काफी वक्त से जो है बैंक की तरफ से भी 2000 के नोट जो है वो बेहद कम चलन में थे। तो इस वजह से भी एक बड़ी बात है कि लोगों के पास शायद 2000 के नोट इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ लोगों से। सर, 2000 के नोट बंद हो गए हैं बैंकों में, क्या आप गए? हाँ, अभी कुछ नोट्स गए हैं लेकिन अभी काफी टाइम है, अभी गवर्नमेंट ने काफी टाइम दे दिया है ताकि हम उन लोगों को एक्सचेंज, उन नोट्स को एक्सचेंज करा पाए। सर, क्या बैंक? हाँ जी। क्या कुछ व्यवस्था है, थोड़ा बताएं? नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले से ही सब प्रोसेस कर दिया है। आप एक लिमिट डिसाइडेड है 20,000 रुपीज, आप जाकर बैंक में उसको एक्सचेंज करा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ बैंक कर्मी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनके बैंकों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सर, आज से जो है नोट बदलना शुरू हो जाएगा, बैंकों में क्या व्यवस्था की जा रही है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, जो ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं उनके हिसाब से ही सारी चीजें चल रही हैं और अभी तक की तो किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आ रही है। जैसा कि आरबीआई ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि 30 सितंबर तक आप जो नोट बदलवा सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो सारी चीजें हम लोग फॉलो कर रहे हैं और अभी कस्टमर्स को अभी किसी भी प्रकार की अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाकी सारी चीजें इसी हिसाब से चलती रहेंगी तो सब अच्छा है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि हमें बैंक कर्मियों ने बताया कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है और क्योंकि एक लंबा वक्त दिया गया है लोगों को 30 सितंबर तक का और एक बार में करीब 10 नोट बदले जा सकते हैं, तो शायद यही एक बड़ी वजह भी रही है। और अगर देखा जाए तो आजकल लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो कैश से ज्यादा कैशलेस पर है। यूपीआई सबके पास है, लगभग 75-80% ट्रांजेक्शन जो है ऑनलाइन किया जाता है, लोग कैश रखने से बचते हैं और यही बड़ी वजह नजर आ रही है कि यहाँ की बैंक स्ट्रीट में जैसे कि 2016 में नजारा
देखने को मिला था कि लंबी लंबी लाइनें लग रही है बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर, तो ये गनीमत है कि इस बार लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ रहा है। वही ये बात यही है कि 2008 के बाद से जो प्रिंटिंग है नोट की वो फिलहाल बंद कर दी गई थी और बहुत कम बाजार में नोट भी 2000 के देखने को मिल रहे थे। दुर्गेश भी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आपके पास मैं लौटूंगी। विनोद, एक घंटे का समय बीत चुका है, जिस बैंक में आप मौजूद हैं वहां पर अब तक कितने लोग पहुंच चुके हैं नोट बदलने के लिए, नोट जमा करने के लिए? बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं, आज 23 तारीख है और आज से नोट का एक्सचेंज करने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। न केवल सरकारी बैंकों में बल्कि प्राइवेट बैंकों में भी इसी तरह के आरबीआई के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में हूं। यहां पर किसी प्रकार की कोई बहुत ज्यादा भीड़ या लोगों की लाइनें हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर आप देखिए स्मूथली लोग बैठे हुए हैं। ये वेटिंग एरिया है पूरा जहाँ लोग बैठे हैं, और इन लोगों में अगर ये देखा जाए कि कोई एक्सचेंज करने आया तो एक ग्राहक ऐसे हैं जो अभी भी HDFC एक निजी बैंक से आए, लेकिन उनको वहां कठिनाई हुई। मैं पहले उनसे बात कर लेता हूँ, आइए इस आपसे बात कर लेते हैं। आप कितने नोट एक्सचेंज करने गए थे? केवल 10 नोट। हाँ, जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके अनुसार 10 नोट। कहाँ गए थे? मैं HDFC बैंक गस्कता दिया गया था। क्या हुआ था वहाँ? उनके द्वारा ये कहा गया कि आप पहले स्लिप भर दीजिए। मैंने स्लिप भरी, उसके बाद उनका ये कहना था कि इसमें ID प्रूफ लगाइए, चाहे आप पैन कार्ड लगाइए या आधार कार्ड लगाइए। तो मैंने कहा ऐसा तो RBI की गाइडलाइंस में नहीं है, बल्कि उनका कहना तो ये था कि गाइडलाइन में कोई भी स्लिप नहीं कर रहा और सीधा सा एक्सचेंज करना है। उन्होंने कहा हम RBI की गाइडलाइन नहीं मानते हैं, हमारे खुद के नियम चलते हैं। हमने कहा फॉर्म भरा, मैंने कहा इस पर लिख के दे दीजिए कि हम बिना ID के प्रूफ के नहीं वापस करेंगे। उन्होंने कहा हम कुछ भी लिख के नहीं देंगे। फिर मैंने कहा आप अपने हायर अथॉरिटी का नंबर दीजिए। उन्होंने एक कोई मिस्टर अग्रवाल है उनका नंबर दिया। मैंने उनसे कॉल पर बात की तो उन्होंने कहा मैं अभी आपको 2 मिनट में बताता हूँ, और उसके बाद से अब निरंतर वो फोन नहीं उठा। फिर आप SBI आए? मैं SBI, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बिना स्लिप के और एक्सचेंज किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे इन्होंने बताया, इनका कहना है कि जब RBI ने एक तरह के ऑर्डर जारी किए हैं तो फिर बैंकों में अलग अलग तरह की रूल्स क्यों चल रहे हैं? क्योंकि SBI में कोई भी कस्टमर आए आके जमा करा सकता है और उसे कोई फॉर्म भरने की जरूरत भी नहीं है, अपना ID कार्ड लाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये ग्राहकों को कहीं ना कहीं देखिए सुविधा देने वाली बात है। जो कस्टमर है जो आएगा गर्मी में पैसे जमा करने, वो कहीं ना कहीं उसको सहूलियत मिले। लेकिन जिस तरह की एक कस्टमर थे जो बता रहे हैं, इस तरह की शिकायत भी सामने आई है। अब हो सकता है ये शिकायत RBI के पास पहुंचे तो कुछ ना कुछ जरूर इसके बारे में कुछ नए दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, खासकर निजी बैंकों को। लेकिन हालात इस समय बहुत स्मूथली है, कहीं कोई बड़ी लंबी लाइन नहीं है, आराम से लोग आ रहे हैं रोज की तरह। अभी तक 2000 के नोट जमा करने वालों में केवल एक ही ऐसे व्यक्ति हमें मिले हैं जिन्होंने अपने नोट यहाँ पे जमा कर दिए हैं। आपने यहाँ एक्सचेंज हुए हैं? एक्सचेंज SBI में एक्सचेंज हुए हैं। तो एक्सचेंज के बाद आपने 500 का लिया कि 500 का? 500 का ही है मैक्सिमम, 500 का ही है। तो देखिए सब कुछ यहाँ पर अभी तो कोई बहुत ज्यादा अफरा तफरी का कहीं कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि 2000 का नोट आम आदमी की पहुंच से तो बाहर है ही, तो बहुत सिलेक्टेड लोगों के पास मिलेगा और सिलेक्टेड लोगों की जब बात आती है तो भीड़ कहीं देखने को मिलती नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आम घरों में ये जो 2000 का नोट है वो गायब भी हो चुका है। हमारे साथ दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, देखिए कुछ प्रॉब्लम लोगों को झेलनी पड़ रही है, जैसे कि अगर किसी दूसरी ब्रांच में अगर वो जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, जैसा कि अभी बात की विनोद ने, एक शख्स जो वहां पर कस्टमर जो मौजूद थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि अगर वो HDFC में गए तो HDFC में उनका जो नोट है वो बदले नहीं गए, उनको एक आईडी प्रूफ देने को कहा गया, RBI की गाइडलाइंस मानने से इनकार कर दिया गया। क्या कुछ ऐसा मामला जबलपुर में भी देखने को मिल रहा है? क्या कोई और परेशानी का सामना ग्राहकों को करना पड़ रहा है जबलपुर में? बिल्कुल अंजलि, देखिए इस तरह की शिकायतें अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि कुछ प्राइवेट बैंक हैं वो अपने नियम चला रहे हैं। लेकिन फिलहाल बाकी बैंकों की हम बात करें तो ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। इस वक्त मैं सर्विस सेंटर के मड़ोताल SBI ब्रांच में मौजूद हूँ, यहाँ की सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसी स्थिति हम नोटबंदी के दौरान देख रहे थे वैसा हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बैंकों में ना तो लाइनें लगी नजर आ रही है और ना ही लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है।
जो लोग इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर बैंकों में नोट बदलवाने के लिए आए हैं, हमारी अंदर हमने अंदर जाके भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन लोग अमूमन वैसी स्थिति में नहीं है जैसी लोग हम देख रहे थे। अमूमन कुछ इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर नजर हमें आए हैं जो 2000 रुपए का नोट लेकर आए हैं बंद करवाने के लिए, और वो परेशानी जो अमूमन होती थी नोटबंदी के दौरान वैसी परेशानी की स्थिति हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हाँ, कुछ समस्याएं कुछ इस तरह की हो सकती है कि कुछ जो प्राइवेट बैंक है, कुछ जो निजी बैंक है, उनमें लोग अलग अलग नियम बना रहे हो प्राइवेट बैंक, लेकिन अमूमन सरकारी बैंकों में SBI की बात करें तो फिलहाल ऐसी स्थिति या ऐसी शिकायत नहीं आई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो भीड़ हम उम्मीद कर रहे थे लोगों से, वो इस भीड़ में हमें यहाँ पर लोग नजर नहीं आए हैं। कुछ लोग जरूर यहाँ पर 2000 के नोट बदलने, आप कितने के नोट बदलने आए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं इनके हाथ में 2000 रुपए का नोट है, ये इस तरफ दिखाई दे 2000 रुपए का, ये देखिए आप यहाँ पर नोट देख सकते हैं कि किस तरीके से बदलने आए हैं। कितने नोट बदलने आए हैं आप? ये मेरे पास 3 नोट है, 6000 रुपए। कोई किसी तरह की परेशानी आप लोगों को? नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसे पिछली बार जब नोटबंदी हुई तो उसको लेकर काफी लंबी लंबी लाइन लगी थी, इस बार जो है ऐसी लाइन भी नहीं दिख रही है, नोट आसानी से। कुछ बैंक कुछ परेशानियां कुछ अलग नहीं, बैंक से अभी हमने जानकारी ली, बैंक में एक छोटा सा फॉर्म है आपको फॉर्म भर के देना है, अगर आप किसी बैंक में है तो ये आपके पैसे जो है आप बैंक में चले जाएंगे, और आपको अगर एक्सचेंज में मिलना चाहिए तो एक्सचेंज में मिलता है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर देखिए बाकी बैंकों की हम बात करें तो यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, और लगातार जो है लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं बैंकों में नोट बदलवाने के लिए, और जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे कि परेशानी केवल उन लोगों को जाएगी जिन्होंने काली कमाई अपने घर पर रखी है, या 2000 रुपए के नोट बड़ी संख्या में जमा रखे हैं, जिनके घर 10-12 हजार के नोट है या 10-20 नोट है या 50 नोट है, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं जाएगी। वो एक बार नहीं दो बार आके भी बैंकों में जमा करा सकते हैं बिना किसी लेखा पड़ी के, बिना किसी कागजात के, बिना बिल्कुल किसी। समय भी बहुत ज्यादा इस बार दिया गया है, 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी लोगों को यहाँ पर झेलनी इस वजह से पड़ सकती है कि जो निजी बैंक हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं गाइडलाइंस को लेकर। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो देखिए, नोट बदलने की जो प्रक्रिया है फिलहाल शुरू हो गई है, बैंक में कुछ लोग पहुंच रहे हैं और जो 2000 के नोट हैं उनको एक्सचेंज कर रहे हैं, और आपको बता दें कि RBI के 19 रीजनल ऑफिस में जो नोट हैं वो बदले जा सकते हैं। कहां बदले जा सकते हैं नोट, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, और सभी बैंकों में आप जाकर नोट बदल सकते हैं। तो RBI के 19 रीजनल ऑफिस